नहीं, ये ओपोजिशन का कोई पॉजिटिव एंगल नहीं है, ये हर बात पर ये ओपोजिशन करता है। जब वैक्सीनेशन आया था, कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन हमारी देश की विज्ञानी ने लाया था और देश की सरकार ने उनके लिए जो साधन का जरूरत था साधन उसको सपोर्ट किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट। ये पहले पहले ममता जी से लेकर अखिलेश यादव तक ये बताया था मोदी वैक्सीन, ये बीजेपी वैक्सीन, ये लोग पहले जाकर लिया। सब अच्छा काम में रुकावट डालना और राजनीति से प्रेरित भाषण देना इसका ओनली एजेंडा है। ये भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों का जोट है। ये जोट देश की भला करने के लिए नहीं है, ये जोट जो ये लोग बनाया है इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी का अदल से, ये जोट सीधा सीधा ईडीआई सीबीआई को रोकने के लिए जोट बनाया गया है। ये देश की विकास के तरक्की के लिए ये जोट नहीं है। सर, लास्ट में पूछना चाहूंगा, पोस्ट पोल के बाद बहुत सारे बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं जो घर में वापस नहीं जा रहे हैं। अभी अभी जॉन बार्ले सर ने एलिगेशन दिया डाला है कि उनके पास अभी भी 20-25 जो कैंडिडेट है जो अपने पूरा प्रदेश में भाजपा को जो 11,000 हमारी प्रत्याशी चुनाव जीता है उसमें 3,000 प्रत्याशी बाहर का प्रदेश में है, कुछ बिहार में है। किशनगंज चला जाइए अग्रवाल जी का हॉस्टल में, कुछ झारखंड में है चला जाइए झारखंड में, अब आसाम में चला जाइए धुबरी से लेकर बारहबीसा तक चला जाइए, सब बाहर में है। बाहर में रहने के लिए ये लोग मजबूर हुआ है। यहाँ पुलिस फर्जी एफआईआर डाल रहा है और पुलिस और गुंडा ये घूम रहा है। जैसे पहाड़ में इस बार पहली बार हमारी कोमल का निशान पर 130 कैंडिडेट चुनाव जीता है पंचायत में। ये अनिक थापा हर कैंडिडेट को 6 लाख रुपया करके खरीद करने के लिए हर घर में जा रहा है। इसको सब चाहिए, 80% सीट ले लिया धांधली करके, फिर बाकी जो 20% है वो भी चाहिए, 100% चाहिए, सब चाहिए, उसको सब खाना चाहिए, पंचायत को चूरी करना चाहिए, सब ले लेना चाहिए। लोकसभा में फिर भी एलिगेशन डाल रहे हैं कि ईवीएम में गलती हो, आप लोग टेम्पर्ड कर सकते हैं। वहाँ बैलेट तो खाने का कोई मौका नहीं है, ईवीएम में वोट होगा। ममता बनर्जी जब सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन का चुनाव किया था थी तब वीवीपैट नहीं था वो मशीन में, विदाउट वीवीपैट ईवीएम में वोट हुआ, और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का चुनाव में विद वीवीपैट ईवीएम मशीन रहता है। इसमें ममता बनर्जी और उनकी गुंडा धांधली नहीं कर सकेगा, सेंट्रल फोर्स चुनाव कराएगा। इसलिए अभी से हारने के डर से ऑपोजिशन ने ये सब इल्जाम लगा रहा है। ये इल्जाम का कोई बेसिक मिनिमम इसका कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ये फर्जी एलिगेशन है, मैलाफाइड इंटेंशन और पॉलिटिकल अपनी हिडन एजेंडा को सामने रखते हुए एजेंडा लगा रहा है। अगली बार मोदी जी 400 पार, मोदी जी रहेगा तो देश अच्छा रहेगा, देश तरक्की की ओर बढ़ेगा।